हेलो स्टूडेंट हम बायोलॉजी क्वेश्चन करा रहे हैं जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में नब्बे क्वेश्चन में सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आप लोग कर सकेंगे तो आप लोग इस सी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दी फोर्स टेंशन कोहेशन एक्सी रूट प्रेशर आन फोर्स टेंशन जो कोहेशन एक्सीड जो रूट प्रेशर जो काज करता है जो रूट प्रेशर के थ्रू वाटर मिनरल जो क्या फोर्स लगा के फोर्स लगाते हैं वो किस सीजन में एक्सीड मतलब मैक्सिमम होता है रेनी डे में जब बरसात होती है फोगी मॉर्निंग में जब फॉक्स गिरते हैं या सनी डे में जब धूप होती है या फुल मून लाइट में तो सनी डे में जब ट्रांसफारेशन अधिकतर होगा तो रूट प्रेशर मैक्सिमम होगा तो ट्रांसफारेशन कब अधिक होता है सनी डे में तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं इट इज़ सो बिकॉज द ट्रांसफारेशन रेट इज वेरी हाई ऑन ए सनी डे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो पापुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है होन कब इंक्रीज होती है जब इंक्रीज़ कब होती है जब नेटिलिटी बर्थ रेट जो होती है वो क्या होती है बर्थ रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाए या आई माइग्रेशन आई एम आई माइग्रेशन जब आई माइग्रेशन क्या होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज दोनों इंक्रीज जब होगा या बर्थ रेट जिसको नेटिलिटी कहते हैं आई माइग्रेशन आई माइग्रेशन का मतलब आना तब क्या होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे ई माइग्रेशन ई माइग्रेशन का मतलब जाना होता है आई माइग्रेशन डिक्रीज डिक्रीज नहीं होगा यहाँ इंक्रीज होना चाहिए मोर् मोरल मोर्टिलिटी मतलब डेथ रेट डेथ रेट क्या इंक्रीज हो जाएगा तब तो कम हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी नेटिलिटी रेज इंक्रीज डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन ई कैरियॉर्ड्स आकर्ष ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो ई e कैरिया में होता है वो किस दौरान होता है लाइट रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट के दौरान नहीं डार्क रिएक्शन इन क्लोरोप्लास्ट नहीं एनोरूबिक रिस्पायरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकंड्रिया में तो होता है लेकिन आनेरबिक नहीं एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है एटीपी फॉर्म होती है तो ऑप्शन नंबर डी एरोबिक रिस्पायरेशन इन माइटोकंड्रिया तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस एटीपी सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीसी इन कार्ड ऑक्सीडेटिव फासफोलेशन आर टर्मिनल ऑक्सीडेशन इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट क्वेश्चन हुइच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलेन ग्रेन पॉलेन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कौन सी एलिमेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है तो फर्स्ट ऑप्शन बोरान दिया गया सेकेंड कैल्शियम थर्ड क्लोरीन डी ऑप्शन पोटेशियम तो बोरान जो होता है ये पोलिन जर्मिनेशन में वर्क करता है ये माइक्रो न्यूट्रिय होता है माइक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं तो बोरान माइक्रो न्यूट्रियट होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा बोरान इज द माइक्रो न्यूट्रियट ऑफ प्लांट प्रजेंट इन द दॉयल वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज़ एब्जॉर्व फ्राम द सॉयल इन द फार्म ऑफ बोरिक एसिड ये ये भी पूछता है कि बोरान जो होता है ये एबजॉर्व किया जाता है मिट्टी में किस फार्म में तो ई एच थ्री एच थ्री बी ओ थ्री के फार्म में आयन टेट्रा बोरेट एन आयन के फार्म में बोरान इज रिक्वायर्ड फॉर पोलिन जर्मिनेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है पोलिन जर्मिनेशन में और सीड जर्मिनेशन एंड सेल डिफ्रेंसीसन ये तीनों आप याद कर लीजिए बोरान रिक्वायर्ड होते हैं पोलिन जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन एंड सेल डिफ्रेंसीसन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हेलोफाइल्स डिफर्स फ्राम यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से हेलोफाइल्स डिफर्स होता है हाइबिंग डिफरेंट सलवाल एंड सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ये भी सही लग रहा है दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन हेलोफाइल जो होता है वो एक्सट्रीम कंडीशन पे सर्वाइव कर लेता है रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फास्ट सर्वाइवल ऐसे क्वेश्चन अब मैक्सिमम नीट को लेवल में नीट मेडिकल एग्जाम में दो क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसमें ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट रहता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हाइलो फाइल्स आर ऑर्गनिजिम दैट थ्री विन हाई साल्ट कंसनट्रेशन पे रहते हैं दे आर इन टाइप ऑफ एक्सट्री एक्सट्रीमो फाइल्स आर्गनिजम होते हैं दी नेम कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड से फ्राम साल्ट लविंग फाइल्स को क्या आप बोलेंगे एक नाम ये भी याद कर लीजिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ये साल्ट लविंग होते हैं क्या होते हैं साल्ट लविंग दे सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन सैलाइन मतलब नमक खारे पानी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डेसिबल यूनिट डी भी दिया गया है डेसीबल यूनिट इज स्टैंडर्ड एवरीविएशन यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डेसिबल किसका होता है तो ये नॉइज का नॉइज का सिंबल है नॉइज का सिंबल क्या होता है डेसिबल होता है तो दि डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियन इन मीडियम नहीं ये पर्टिकुलर पॉलिटेंट जब पॉलिटेंट पर्टिकुलर पॉलीटेंट आ जाते हैं मीडियम में तब ये होता तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाता है डिडोमिनट बेसलेस एग्रीकल्चर सर्टेन पेस्टिसाइड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डेसीबल इज स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ किसका नॉइज की अनवान्टड साउंड इज कॉल्ड नॉइज जनरली साउंड एबव एससी डेसीबल ये देखिए डेसीबल यूनिट होती है किसकी डे साउंड की कंसिडर एज नॉइज में अस्सी डेसीबल से अगर अधिक हो जाती है शोर नॉइज तो कंसिडर किया जाता है उसको किसमें इसमें किसमें कंसीडर किया जाता है कंसिडर हम लोग करते हैं किसमें एब्रिवेसन क्वान्टिटिव एक्सप्रेशन डेसीबल में व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बी टी टॉक्सिन बी टी टॉक्सिन के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या देखना है करेक्ट देखना है कि इनकरेक्ट ट्रू स्टेटमेंट देखना है यहाँ देखो ट्रू लिखा तो बी टी बी टी प्रोटीन एग्जिट एज एक्टिव टॉक्सिन नहीं एक्टिव नहीं होती गलत हो जाएगा दी एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर द ओवरीज नहीं ओवरी में एंटर नहीं करती सी ऑप्शन दी कंसर्न बेसलेस एज एंटीटॉक्सिन नहीं एंटीटॉक्सिन नहीं होती डी ऑप्शन करेक्ट होगा दी इन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए एक्टिव फार्म इन द इंसेक्ट गट के इंसेक्ट गट में ये क्या एक्टिव फार्म में हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेसलेस थ्रेजिनेसिड फार्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ दियर ग्रोथ दीज क्रिस्टल कंटेनियॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिटाज इन एक्टिव फार्म में नेक्स्ट क्वेश्चन हॉट इज ट्रू अबाउट द लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर होता है तो मिड ब्रेन में थ्री पार्ट होते हैं कौन कौन फोरब्रेन एफ ओ आर ई फोर बी आर ए आई एन फोर ब्रेन एम आई डी मिड बी आर ए आई एन मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन एच आई एन डी हिंड बी आर ए आई एन हिंड ब्रेन तो फोर ब्रेन का पार्ट क्या होता है लिम्बिक सिस्टम होता है तो कह रहा है दी इट इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन सही बात कह रहा है ब्रेन का पार्ट होता है सेकेंड ऑप्शन द एमैक्डेला एंड हिपोकैम्पस आर पार्ट ऑफ इट इसी के पार्ट होते हैं ये भी एमैगडेला और हिम्पोकैम्पस सी इट रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शन ये सेक्सुअल बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शन को क्या कंट्रोल करता है रेगुलेट करता तो ऑप्शन नंबर डी आल ऑफ दीज ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लानीसन हम लोग देख लेते हैं दी इनर पार्ट ऑफ सीरिबरल हेमिसफियर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक द एमेगडेला फार्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कार्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम एलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें दो लेयर पाए जाते हैं एक एक मिजोडर्म एब्सेंट होता है कौन सा डर्म जो बीच लेयर होती है मिजोडर्म यह ऑप्सेंट होती है इक्टोडर्म और इंडोडर्म दो लेयर प्रेजेंट होती है राउंड वार्म अर्थ वार्म सी लीवर फ्लिव डी हाइड्रा तो हाइड्रा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और रेडियल समेट्री पाई जाएगी डिप्लोब्लास्टिक इज कंडीशन ऑफ द ब्लास्टुला इन द हुई दियर आर टू प्राइमरी जर्म लेयर प्रजेंट होती है द इ्टोडर्म एंड इंडोडर्म दे डू नॉट शो द मीजोडर्म लेयर मीजोडर्म लेयर नहीं होती है राउंड वार अर्थफार्म एंड लीबर फ्ल्युक है बाइलेटरल समेट्री प्रजेंट होती है रेडियल समेट्री नहीं पाई जाती राउंड वार्म अर्थवार लीबर फ्ल्यूक में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द रॉन्ग मैच पीयर विथ रिगार्ड द सी फोर साइकिल सी फोर साइकिल के रिस्पेक्ट में हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है रॉन्ग तो फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी सीओ टू फिक्सेशन पी जी ए प्रोडक्ट जो प्राइमरी सी ओ टू फिक्सेशन होता है ये क्या होता है तो इसमें सीफोर में क्या बनता है आगजलो एस्टिक एसिड ओ ओ ए होता है तो यहाँ पे पी दिया गया है इसीलिए गलत हो जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा बी ऑप्शन देखते हैं सीफोर साइकिल के रिस्पेक्ट में साइट ऑफ इनिशियल कार्बाक्सीसन मिजोफिल सेल्स में तो ये सही है सीफोर साइकिल में जो कार्बॉक्सीसन फर्स्ट होती है हो मिजोफिल सेल्स में होती है सी ऑप्शन प्राइमरी सी ओ टू असेप्टर जो था, होता है पेफ होता है पी ई पी सी फोर प्लांट जो होता है वो मेज ऑप्शन दिया गया तो मेज सी फोर प्लांट होता है इसीलिए तीनों ऑप्शन सही हैं तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है तो सही हो जाएगा क्योंकि ये रांग पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन स्पंज में असेक्सुअल रिप्रोडक्सडक्टिव स्ट्रक्चर इज इन स्पंज में पूछ रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होता है तो स्पंज में इंडोजिनस बडिंग होती है इंडोजिनस बडिंग को ही असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इस्ट्रक्चर कहते हैं स्पंज के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्योंकि एग्जोजिनस बडिंग नहीं होती है इंडोजिनस बडिंग होती है तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कोनीडिया कोनीडिया आसेक्सुअल कोनीडिया तो किसके लिए होता है कोनीडिया जो होती है जू स्पोर कोनीडिया पिनिसिनियम पिनिशिलीनियम के लिए होती है तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कॉमन आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और कोनीडिया पेनिसिलियम बर्ड्स हाइड्रा में होता है जीमिल्स या बडिंग किस किसमें होती है स्पंज में होती है जीमिल्स या इंडोजीनस बडिंग ये भी याद कर लेंगे दोनों जीमिल्स या इंडोजीनस बडिंग का किसमें होती है स्पंज में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुइज ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इसमें से पूछ रहा स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या नहीं है इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें स्केल्टर इस सिस्टम का फंक्शन नहीं है फर्स्ट ऑप्शन स्टोरेज ऑफ मिनरल तो स्केल्टर सिस्टम में स्टोरेज ऑफ मिनरल होता है तो ये फंक्शन होता है बी ऑप्शन प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट बॉडी हीट को ये क्या करती है हीट करती है बॉडी पार्ट को ये हीट करती है नहीं ये हीट नहीं करती है एडिपोज टीशू होता है ए डी आई पी ओ एस ई एडिपोज टी आई डबल एस यू ई एडिपोज टिश्यू होता है जो बॉडी को हीट हीट प्रोडक्ट करता है हीट हीट प्रदान करता है तो यहाँ पे दिया गया प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट जो स्कल्टर सिस्टम करता नहीं तो ये भी बी ऑप्शन ही नॉट ट्रू यही गलत हो जाएगा लोकोमोशन लोकोमोशन में तो सहायता करता है स्कल्टर सिस्टम प्रोडक्शन ऑफ हिथ्रोसाइट आर प्रोडक्ट या क्या करता प्रोडक्शन करता तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द ममेलियन ओवम आकाश सेकंड मैचुरेशन डिवीजन तो इसमें कब होता है सेकेंड मेचुरेशन डिवीजन मेमिलियन में तो फर्स्ट ऑप्शन शॉर्टली आफ्टर ऑब्ल्यूशन बिफोर मतलब पहले हो जाता है ओबम नहीं पहले नहीं होता अनटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज फ्यूज विथ दैट ऑफ द ओबम के समय होता है जब फ्यूज करती है न्यूक्लियस तब भी नहीं होता दिस दिज ग्रेफियन फॉलकिल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न नहीं डी ऑप्शन आफ्टर द ओबम हैज़ बिन पेनीट्रेट बाय स्पर्म जब ओबम को जब स्पर्म ओबम को पेनिट्रेट कर जाता है उसके बाद क्या होता है मेचुरेशन डिवीज़न होता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पोटेशियम आयन इज दैट पोटेशियम आयन का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या रोल होता है तो उस प्रोवाइड रेड कलर नहीं इट्स प्रमोट्स फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देता है नहीं सी ऑप्शन इट इन्फ्लुएंस मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है पोटेशियम आयन में हुइ रेगुलेट मेनी प्लांट प्रोसेसेस तो डी सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस फार फिक्सेशन ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब फोटोसिंथेसिस के दौरान एक मालिक्यूल ग्लूकोज का फिक्सेशन होता है तो दी नंबर ऑफ़ एटीपी कितने एटीपी एंड एन ए की रिक्वायर्ड होती है तो इसमें एट, अगर एक फिक्सेशन फिक्सेशन ऑफ मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो टी सी ए की साइकिल जो होती है एक टी सी ए साइकिल में एक कार्बन सी ओ टू मिलता है तो सिक्स कार्बन चाहिए तो सिक्स साइकिल तो अट्ठारह क्या अट्ठारह ए टी पी एंड बारह एन ए डी पी एच टू की आवश्यकता पड़ती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अट्ठारह ए टी पी एंड बारह एन ए डी पी एच टू की आवश्यकता पड़ती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वन केल्विन साइकिल टेक्स इन ओनली वन कार्बन सीओ टू एट ए टाइम सो एक टाइम में इट टेक्स सिक्स टर्न ऑफ द साइकिल टू प्रोड्यूस सिक्स कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज फार द फार्मेशन ऑफ वोल मालिक्यूल ऑफ एक्सो शुगर ग्लूकोज अट्ठारह ए टी पी एन बारह एन ई डी पी एच आर यूज यूज कर लिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुई चोन ऑफ द टेक्सोनोमिक एड्स कैन गिव कंप्रंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंप्लीट कम्प्लीट कंपेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीन ऑफ फैमिली एट पर्टिकुलर टाइम यहीं से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीन किसी भी एक जीन को या फैमिली एट पर्टिकुलर टाइम तो ये मोनोग्राफ शो करता है मोनोग्राफ टेक्सोनोमिक दिया गया है एम में फ्लोरा और हर्बेरियम और मोनोग्राफ तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मोनोग्राफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ओपनिंग ऑफ हिपाइटो पेंक्रियाटिक डट इन टू द डिडनम इज गार्ड बाई जो हिपैटो पेंक्रियाटिक डट जो डेवडनम में खुलती है वो किससे गार्डेड होती है किससे रोकी जाती है तो पाइलोरिक इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ बार्डम या इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई डी ऑप्शन कार्डियक इंस्पेक्टर तो ऑप्शन नंबर सी इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जो होता है यह हिपैटो पेंक्रियाटिक डट को कंट्रोल करती है दी इंस्पेक्टर ऑफ एम्पुला या इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई मस्कुलर वॉल्व होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जू बाइल बाइल जूस या पैंक्रियाटिक जूस थ्रू द एम्पुला ऑफ बेटर इन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ डेओडनम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सुइस चीज इज राइपेंड बाई सुइस चीज कैसे बनती है तो प्रोपोनियो बैक्टेरियम साराई एक बैक्टीरिया होती है जिससे सुइस चीज बनती है सुइस चीज तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनियम बैक्टेरियम सारमेनाई दिया गया है यहाँ पेनिसिलियम रिकी रिकिफोर्टी दिया गया जिससे जिससे फैट चीज बनाई जाती है पेनिसिलियम कम्बेटी दिया गया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस दिया गया है स्वइस चीज इस करेक्टराइज बाय लार्ज होल्स फार्म होती है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट ए बी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वइस चीज़ में जो लार्ज होल होता है वो किसके कारण होता है तो अमाउंट ऑफ सी रिलीज बाय प्रोपोनियम बैक्टीरियम जब लार्ज अमाउंट में सी प्रोड्यूस हो जाती है प्रोपोनियम बैक्टीरियम सारमेनाई के थ्रू तब उसमें लार्ज होल हो जाते हैं अधिकतर होल होने लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज दैट मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू वेजिटेटिव प्रोपागेशन के रिस्पेक्ट में बता बताना तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन असेक्सुअल प्रोडक्शन के थ्रू होता है फर्स्ट ऑप्शन इट इनेबल्स रैपिड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन बी ऑप्शन इट इज एन मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडविजुअल जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स ये अपने पेरेंट्स से मम्मी पापा से माता पिता से समान होते हैं आइडेंटिकल होते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा समान क्यों होते हैं क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका एग्जाम्पल एक भी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन मतलब प्लांट द प्रोसेस वेयर न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ये फ्रेगमेंट मतलब एक्सप्लांट से छोटे टिश्यू से आप पेरेंट्स प्लांट एंड ऑल प्लांट्स आर जनरली आइडेंटिकल द फॉलोइंग इज कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिंग एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कापर कंटेनिंग कापर कंटेनिंग क्या होती है तो कापर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन होती है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा प्लास्टोसाइनिन इज कापर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वाल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस प्लास्टोसाइनिन फंक्शन एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट बिटवीन साइटोक्रोम ऑफ साइटोक्रोम एफ ऑफ द साइटोक्रोम बी सिक्स यफ के बीच में वर्क करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस सिक्रीशन ऑफ यहाँ स्पेस दिया गया है ऐसे भी क्वेश्चन हम नीट एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि बीच में स्पेस दिए देता है और बीच का फिलअप करना रहता है तो दिस दिक्रीशन ऑफ ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस पेनिस को जो लुब्रिकेट करती है ग्लैंड्स उस ग्लैंड्स का नाम यहाँ पे हम लोग को क्या फिलअप करना है तो हम लोगों में क्या हो क्या होती है जो पेनिस को लुब्रिकेट करती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड लुब्रिकेशन में वर्क नहीं करता है बल्बो यूथरल ग्लैंड बर्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होती है और बल्बो यूथरल ग्लैंड इसी को काउपर्स ग्लैंड कहते हैं काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं ये ये क्या होती है बल्बो यूथरल ग्लैंड भी दे सकता है और सी ओ डब्ल्यू पी -E ई आर -E एस काउपर्स ग्लैंड भी दे सकता है जो मेल्स में होती है और ये पेनिस को लुब्रिकेट करती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका एक्सप्लानीसन देख लेते हैं ये बर्थोलिन ग्लैंड आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड नेम्ब आफ्टर द इंग्लिश एनाटोमिस्ट विलियम कॉपर्स इज वन आर टू स्मॉल एग्जोक्राइन ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूर्थरल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस एंड न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ यूर्थ्रा इसका फंक्शन भी पूछा जाता है तो ये पेनिस की न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को यूर्थ्रा में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन द गिवन डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी यक्स इंडिकेट यक्स जो दिया गया है यह क्या इंडिकेट कर रहा है तो एंटी बाइंडिंग साइट ये क्या एंटीजन बाइंडिंग साइट ये क्या करती है शो करती है तो फर्स्ट ऑप्शन कांस्टेंट रीजन ऑफ हाई बी चैन हाई चैन नहीं होता हाई बी चैन तो ये होती है ये नीचे वाली बी ऑप्शन एंटीजन बाइंडिंग साइट तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दी प्रिकार्सर्स ऑफ टिश्यू जिससे ये बनती है टिश्यू माइक्रोफेज आर वह कौन क्या है जिससे माइक्रोफेज बनती है तो ये माइक्रोफेज जो होता है ये कौन होते हैं मोनोसाइट होते हैं मोनोसाइट जैसे मोनोसाइट क्या होते हैं लिकोसाइट होते हैं आ और ग्रीनलोसाइट तो आ क्या होता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं तो मोनोसाइट माइक्रोफेज होते हैं तो ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट बी ऑप्शन स्नोफिल सी ऑप्शन मोनोसाइट और डी ऑप्शन ननाब्दीज तो मोनोसाइट जो होते हैं ये माइक्रोफेज होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ईच लंग कवर्ड बाय ए डबल लेयर प्ल्यूरा द आउटर प्ल्यल मेमरेज इन क्लोज कंटेक्ट विथ कह रहा है प्रत्येक लंग दो लंग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं डबल लेयर से तो कह रहा है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसके कंटेक्ट में कंटेन कंटैक्ट में होती है तो ये थ्रेसिक लाइनिंग के कंटे आउटर लेयर जो होती है प्लूरा की वो थ्रेसिक लाइनिंग के कंटैक्ट में होती है तो और जो इनर होती है वो लंग्स लंग सरफेस के कंटेक्ट में होती है तो इनर लंग सर्फेस के कंटेक्ट में होती है और आउटर थोड़ेसिक लाइनिंग के कंटेक्ट में होती है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुइ ऑर्गेनिज्म इज यूज ए बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन जो अधिकतर प्लांट पैथोजन होते हैं वो कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट उसको क्या कंट्रोल करने में यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट सेवरल प्लांट पैथोजन वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में फर्स्ट ऑप्शन बाइक्लो बी ऑप्शन बेसलेस थ्रीजनीसिस डी ऑप्शन ड्रैगन फ्लाइज डी ऑप्शन ट्राइकोडर्मा तो ऑप्शन नंबर डी ट्राइकोडर्मा जो रूट के पार्ट होता है रूट में होता है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल बींग्स डेवलप फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा फंगस होती है ट्राइकोडर्मा स्पेसीज आर फ्री लिविंग्स होती है ये भी याद कर लीजिए टाइगर फ्री लिविंग्स बन होती है दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इको रूट इकोसिस्टम में वर्क करती है दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो थैंक यू स्टूडेंट्स